सबसे पहले नए साल की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन नए साल में अगर आपको नई ऊंचाई हासिल करनी है तो कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी, जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी साल भर आप पे मेहरबान रहेंगी। तो आइए जानते हैं 2024 में आप वो कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिसके बाद धन, नौकरी और वैवाहिक जीवन आपका सुखमयी हो जाएगा। नया साल नई ऊर्जा, नई उम्मीद लेकर आ रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत सबसे पहले आपको करनी है मंदिर जाने से। सबसे पहले समझ लेते हैं सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए आपको क्या करना चाहिए। नए साल की शुरुआत सूर्य देव को अर्घ देने के साथ करनी चाहिए। इसके बाद तांबे के लोटे में गंगा जल, बेलपत्र, अक्षत डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इस साल 1 जनवरी को सोमवार है, जो शिव जी को समर्पित है। ऐसे में शिवलिंग का अभिषेक या रुद्राभिषेक करके ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इससे साल भर आर्थिक संकट नहीं आता। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप मंदिर में जा सकते हैं। 1 तारीख को मंदिर में जाना बहुत शुभ होगा। दूसरा चीज आपको समझना है, बेलपत्र का पौधा देगा बरकत। जिन घरों में बेलपत्र का पेड़ होता है वहां शिवजी का वास होता है, धन लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। ऐसे में साल 2024 के पहले दिन घर में बेलपत्र का पेड़ उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। इससे घर में कभी भी बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। तीसरी चीज आपको समझनी है, पीली सरसों से माँ लक्ष्मी जी होंगी प्रसन्न। 2024 के पहले दिन पीली सरसों के कुछ दाने और कपूर चांदी या स्टील की कटोरी में जला दें। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 को अपने इष्ट देव की पूजा करते वक्त गाय के गोबर से बने उपले पर पीली सरसों के दाने डालकर पूरे घर में धूनी कर दें। ये उपाय लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है और करियर में प्रमोशन के योग भी बनाता है। और आखिरी चीज आपको समझनी है कि कुछ चीजें आपको अपने घर लानी चाहिए। नए साल के पहले दिन या कुछ शुरुआती दिनों में दक्षिणावर्ती शंख, एकाक्षी नारियल, पीतल का हाथी घर में स्थापित करना चाहिए। इसके स्थापना कार्यस्थल पर भी कर सकते हैं। इनके शुभ प्रभाव से नौकरी व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलता है, उन्नति के बीच बाधाएं नहीं आती और ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि लोग भी अपने साल की शुरुआत अच्छी कर पाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।